नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋषि। भारत की प्राचीन धरोहर और विश्व विरासत कुतुब मीनार अब देश में विवादों की नई मीनार बन सकती है। दिल्ली के कोर्ट में अब कुतुब मीनार परिसर में पूजा पाठ की अनुमति मांगी गई है। इस याचिका में कहा गया है कि कुतुब मीनार में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर बनाई गई है। कोर्ट में सबूत दिए गए हैं कि 1200 साल पहले जिस तरह हिंदू मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, उसके अवशेष आज भी मस्जिद से गवाही देते हैं। इसीलिए आज हम आपको कुतुब मीनार से जी न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। विश्व की ये ऐतिहासिक धरोहर क्या कुतुब मीनार नहीं प्राचीन विष्णु स्तंभ है? क्या कुतुब मीनार में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद 27 हिंदू जैन मंदिरों को तोड़कर बनाई गई? इसे 27 हिंदू एवं जैन मंदिरों के ध्वंसावशेषों से प्राप्त नक्काशीदार स्तंभों और अन्य वास्तुकला संबंधी खंडों से निर्मित किया गया था। आज मैं दिल्ली के जिस इमारत के सामने खड़ा हूं, वो एक विश्व विरासत है और दुनिया में इसकी पहचान कुतुब मीनार के तौर पर की जाती है। कुतुब मीनार के नाम से इसे जाना जाता है, लेकिन क्या कुतुब मीनार के नाम से दुनिया में ये नाम इतिहास का सबसे बड़ा धोखा है? क्या कुतुब मीनार का असली नाम विष्णु स्तंभ है? और क्या यहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनवाई थी? आज ये सवाल देशहित में हम इसलिए देश के सामने रख रहे हैं क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट में कुतुब मीनार को विष्णु स्तंभ बताते हुए पूजा पाठ वाली याचिका दायर की गई है। और इसलिए उस याचिका में जो चीजें कही गई हैं, जो बातें कही गई हैं, ग्राउंड जीरो से उस याचिका में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो बातें, जो साक्ष्य, जो प्रमाण, जो सबूत रखे गए हैं, ग्राउंड जीरो से उन साक्ष्यों को हम आपको दिखाएंगे और पूरी स्टोरी डिकोड करेंगे। विश्व में प्राचीन भारत के ज्ञान विज्ञान की सबसे ऊंची इमारत अब देश में विवाद की नई मीनार है। लाल ईंट पत्थरों से बनी ऐतिहासिक कुतुब मीनार अब कोर्ट में है। कोर्ट में कहा गया है कि कुतुब मीनार के अंदर कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर बनाई गई है। दिल्ली की साकेत कोर्ट में कहा गया है कि कुतुब मीनार की कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद इतिहास में धार्मिक अतिक्रमण का सबसे बड़ा सबूत है। वर्ष 1192 में बनवाई गई ये मस्जिद 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर बनाई गई थी। इसीलिए मस्जिद में तोड़े गए मंदिरों को दोबारा स्थापित करने और वहां विधि विधान से पूजा पाठ की अनुमति मिले। वारामिहिर जो विक्रमादित्य जी के एक इम्पोर्टेंट रत्न थे, उन्होंने 27 नक्षत्रों, आपको मालूम है नक्षत्र 27 होते हैं और 27 नक्षत्रों के जो स्वामी होते हैं वो 9 स्वामी होते हैं और उनके जो अभिमानी देवता होते हैं वो 9 होते हैं। तो जो नक्षत्रों के और खगोलीय पिंडों की जो स्टडी की जाती है उसके लिए वेदशाला का निर्माण किया गया। उस में 27 नक्षत्र थे और 27 नक्षत्रों के 9 स्वामी, उनके अभिमानी देवताओं के छोटे छोटे मंदिर बने हुए थे। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो खुद टैबलेट लगाया उसमें लिखा है कि ये कुतुबुल इस्लाम मस्जिद 27 हिंदू मंदिरों और जैन मंदिरों के मलबे से बनाई गई। जिस तरह अयोध्या विवाद में रामलला विराजमान की ओर से याचिका दाखिल की गई थी, जिस तरह मथुरा विवाद में
भगवान कृष्ण विराजमान को याचिकाकर्ता बनाया गया है। जिस तरह काशी विश्वनाथ परिसर में ज्ञानवापी विवाद में स्वयंभू विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग याचिकाकर्ता हैं, उसी तरह कुतुब मीनार परिसर में 27 मंदिर तोड़े जाने के दावे में प्रथम जैन तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव और भगवान विष्णु की ओर से याचिका दाखिल की गई है। सबसे बड़ी बात यह इस केस में कोई मुस्लिम पक्षकार ना है ना हो सकता है, क्योंकि वह मस्जिद आज 800 साल से वो आज मस्जिद यूज ही नहीं हुई, 800 साल से खाली पड़ी हुई है और हिंदू की जमीन थी, हिंदू की जगह है एडमिटेडली, जहाँ तोड़ बनाया है। आज भारत स्वतंत्र हो गया है, अनुच्छेद 13 संविधान का कहता है कि सारे कानून जो संविधान के विपरीत शून्य हो गए, तो स्वतंत्रता के बाद तो हमें अपना मिलना चाहिए। अब इंडिपेंडेंट इंडिया में नहीं लेंगे तो कहाँ जाएंगे। कुतुब मीनार में मस्जिद में भगवान विष्णु की ओर से याचिका में कहा गया है कि वर्ष 1992 में जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने 27 हिंदू और जैन मंदिर तोड़कर कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनवाई, तब से मुस्लिमों ने कभी इस मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ी, न ही इस मस्जिद को वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित किया गया। एसआई के कागजों में लिखा हुआ है कि यहाँ पर कोई धर्म का काम नहीं हो रहा है, किसी धर्म का, यानी खाली जगह है, मुस्लिम को कोई क्लेम नहीं है। ठीक उससे विपरीत हिंदू का क्लेम है, हिंदू की मूर्तियां थी, एडमिटेडली है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो भारत स्वतंत्र हो गया है, स्वतंत्र राष्ट्र में हमने नहीं कहा बिल्डिंग गिरा दी जाए, बिल्कुल नहीं, हमने सीधी सीधी बात कही है कि वहां पर हमको पूजा करने इजाजत दी जाए। कुतुब मीनार परिसर में मंदिर होने के दावे को लेकर जी न्यूज ने देश हित में ग्राउंड रिपोर्टिंग की। कुतुब मीनार परिसर में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद पर जो आरोप हैं, उसका सच दिखाने से पहले आपको बता दें कि रिपोर्ट में इस्तेमाल किए गए सभी वीडियो जी न्यूज के कैमरे से लिए गए हैं। वीडियो में दिखाई गई हर तस्वीर की जी न्यूज पुष्टि करता है। कुतुब मीनार परिसर में ये वीडियो रिपोर्टिंग जी मीडिया रिपोर्टर अमित प्रकाश और कुमार अभिषेक ने की है और वीडियो की तकनीकी विश्वसनीयता भरोसेमंद है। कुतुब मीनार परिसर में मौजूद कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के बारे में जो दावा किया गया है कि ये मस्जिद 27 हिंदू जैन मंदिरों को तोड़कर बनाई गई है, उसकी पुष्टि खुद एएसआई का शिलालेख करता है। यहाँ साफ साफ लिखा है कि ये मस्जिद हिंदू मंदिरों को तोड़कर बनाई गई थी। इसे 27 हिंदू एवं जैन मंदिरों के ध्वंसावशेषों से प्राप्त नक्काशीदार स्तंभों और अन्य वास्तुकला संबंधी खंडों से निर्मित किया गया था। कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में घुसते ही यहां मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया और मंदिर के मलबे से ही मस्जिद खड़ी कर दी गई। मस्जिद का नाम रखा गया कुव्वत उल इस्लाम, यानी इस्लाम की ताकत। विध्वंसकारी सोच दिखाने के लिए यहाँ क्या हुआ वो देखिए। यहाँ आपको विध्वंसकारी मानसिकता दिखाई देगी, यहाँ आपको भगवान गणेश की खंडित मूर्तियां दिखेंगी, यहाँ आपको खंभों पर मूर्तियों के टूटे हुए चेहरे नजर आएंगे, यहाँ आपको हिंदू देवी देवताओं की नष्ट प्रतिमाएं दिखेंगी, यहाँ आपको हिंदू मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाए जाने के सबूत दिखेंगे। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के आंगन का दूसरा हिस्सा, हम मौजूद थे आंगन के बीचों बीच और हम आपको बता दें जहाँ से हम ये आपको तस्वीरें दिखाते हुए आ रहे हैं, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का ये दाहिना छोर है, ये पूरा कॉरिडोर जो आप देख रहे हैं, ये कॉरिडोर है जो भगवान की मूर्तियाँ जिन स्तंभों पे थी उनको जिस तरीके से बर्बाद और नष्ट किया गया, उसको खत्म किया गया, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रही और वो दिखाते हुए हम पहुँच गए हैं वहाँ से। ये पूरा कॉरिडोर वहाँ से आता है, वो कॉरिडोर आप देखिए वहाँ से आता हुआ ये पूरा हिस्सा सामने से द्वारा है, इधर ये पूरा हिस्सा आता हुआ और बाईं तरफ ये कॉरिडोर यहाँ खत्म होता है। ये आखिरी पिलर जो आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, ये आखिरी पिलर और यहाँ का जो सबूत है किस तरीके से उस वक्त हिंदू और जैन मंदिरों को 27 हिंदू और जैन मंदिरों को नष्ट कर दिया और उसके बाद इस मस्जिद का निर्माण किया गया, उसके
उसके बड़े साक्ष्य, बड़े प्रमाण और उसके जो एविडेंस, वो एक प्रोमिनेंट एविडेंस आपको इस पिलर पे नजर आए। ये पिलर आप ऊपर से देखिए, ये आखिरी पिलर, जैसे मैंने बताया कि इस छोर का ये आखिरी पिलर जो नजर आता है, यानी कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद को बनाने के लिए न सिर्फ मंदिर तोड़े गए बल्कि मंदिरों के स्तंभों पर देवी देवताओं की मूर्तियों को भी मिटाने की कोशिश की गई। कई मूर्तियों के चेहरे मिटा दिए गए। भारत की प्राचीन विरासत बेरहमी से नष्ट कर दी गई। यही वजह है कि मंदिर की सामग्री से बनी इस मस्जिद के खम्भों, मेहराब, दीवार और छत पर हिंदू धर्म के प्रतीक चिन्ह आज भी दिखाई देते हैं। देखिए, मंदिर का मंदिर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट सच तो नहीं है, किंतु वहाँ जो साक्ष्य साइट पर हैं मौजूद, जो हर किसी को आर्कियोलॉजिकल सर्वे से संबद्ध है कोई, या कोई स्वतंत्र उसमें है, तो कोई भी व्यक्ति जाए, कोई दर्शक भी जाए, तो उसको स्वतः ही दिखाए जाते हैं कि यहाँ पर तमाम सारे ऐसे मूर्तियाँ हैं या स्थापत्य कला के जो साक्ष्य हैं, वो सब उन मंदिरों में, उन मस्जिद के या और दूसरी जो संरचनाएं हैं उनमें कहीं कहीं प्रयोग में लाई गई है। 27 हिंदू जैन मंदिरों को तोड़कर कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनाने की बात कुछ मुस्लिम जानकार भी मानते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि 1000 साल पहले हुए इतिहास की गलती अब सुधारने की कोशिश हुई तो हिंदू मुस्लिम तनाव बढ़ सकता है। कुतुब मीनार के या मेहरौली के अतराफ काफी जैन मंदिर थे और उनको ध्वस्त करके वहाँ कुछ मुस्लिम स्ट्रक्चर्स, कुछ मसाजिद या फिर यह है कि कुतुब मीनार वगैरह बनाई गई। मैं इससे इनकार नहीं करता, 1500 साल पहले इस तरह की चीजें हुई हैं। लेकिन हिंदू पक्ष का दावा है कि नए भारत के लिए 1000 साल पहले हुई इस ऐतिहासिक भूल सुधार की जरूरत है। यहाँ पूजा पाठ की अनुमति मिलनी चाहिए, ऐसा नहीं हुआ तो ये बहुसंख्यक लोगों की आस्था पर चोट होगी। अब दिल्ली के साकेत कोर्ट में कुतुब मीनार केस पर अगली सुनवाई 24 दिसंबर को होगी। अमित प्रकाश के साथ अभिषेक राज, जी मीडिया, दिल्ली। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।